हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, CBSE के क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का मच अवेटेड प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म्स आ गए। ऑब्वियसली इसका नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म्स भरने शुरू होंगे कुछ दिन बाद, लेकिन चूंकि आप इंतजार कर रहे थे और बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार पूरा हुआ। आपने मैसेज किया कि सर वीडियो बनाइए, मैं स्कूल में था, मैंने कहा रात तक आपको वीडियो मिलेगी, डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। और बच्चों, किसी रेस में तो हम लोग हैं नहीं कि हम दौड़ रहे हैं, एक महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का, तो हम सारा काम आराम से करेंगे कि कोई गलती ना हो, आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम ये फॉर्म भरेंगे और इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, प्राइवेट का, कंपार्टमेंट का, इम्प्रूवमेंट का या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का। अब ये जो पीछे हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो इमेज, ये पिछले साल के फॉर्म्स की इमेज है जहाँ पे टैब ओपन होता था जिसमें आप फॉर्म्स भरते थे। इस साल भी ऐसा ही कुछ आएगा जिसमें 2024 लिखा हुआ होगा, अभी वो आया नहीं है। और 12 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आप लोगों के फॉर्म्स भरे जाएंगे, यानी अभी सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है और आप इसको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10th का अलग है, क्लास 12th का अलग है, डेट्स सबकी सेम है, ज़्यादातर रूल्स सब में सेम है, बस फीस में थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी की इन्फॉर्मेशन लगभग क्लास 10th और क्लास 12th की सेम ही रहने वाली है। तो जो कुछ भी मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ यहाँ, जहाँ स्पेसिफिक होगा क्लास 10th के बारे में मैं वो बता दूंगा, नहीं तो क्लास 10th और 12th के लिए दोनों इन्फॉर्मेशन एक ही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करोगे तो ज़्यादातर बच्चों के पास ये वीडियो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे हैं जिनको अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्म भरने हैं। अब ये फॉर्म भरना हम आपको बताएं कैसे भरना है, किसको क्या भरना है, हम आपको अपने ऑनलाइन गाइडेंस ग्रुप के बारे में बता दें। हम लोगों की एक पूरी टीम है जो ऐसे बच्चों की हेल्प करती है ऑनलाइन, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं या जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं। चूंकि आप किसी स्कूल से रिलेटेड नहीं रह गए तो हम लोग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल गाइडेंस, फ्री के पूरे नोट्स, फुल सिलेबस के नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी फीस, इवन 5 रुपये से भी कम एक दिन की फीस के हिसाब से हम लेते हैं। पूरे सेशन हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत कुछ प्रोवाइड होता है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप जुड़ना चाहो तो जाकर के जुड़ जाइए, वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे इस फॉर्म का, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हैं कि उनको कौन सा फॉर्म भरना है। तो देखो, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पिछले साल 2023 का मेन बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, जो बच्चे उसमें पास हो गए और जिनके मार्क्स कम आए, यानी 23 में जो पास हुए, मार्क्स थोड़े से कम रह गए, वो भरेंगे इम्प्रूवमेंट का फॉर्म। ये फॉर्म आप एक सब्जेक्ट का भी भर सकते हो या जितने सब्जेक्ट का चाहो उतने सब्जेक्ट का भर सकते हो, 5 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट का, ये आपकी मर्जी है कि जितने में भरना चाहो उतने में भरो। इसका एग्ज़ाम आप दोगे, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होगा, अगर नंबर आपके बढ़ गए तो अगले साल आपको एक नई मार्कशीट मिल जाएगी, नंबर कम हो गए तो पुरानी मार्कशीट वैलिड रहेगी। तो ये बात है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको वीडियो चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। दूसरी कैटेगरी है ऐसे बच्चों की जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब अगर किसी के 6 सब्जेक्ट रहे होंगे और 2 सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे तो भी कंपार्टमेंट आया होगा, 5 सब्जेक्ट रहे होंगे, 1 सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे तो भी कंपार्टमेंट आया होगा, 6 सब्जेक्ट रहे होंगे, 1 सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे तो पास लिख के आया होगा लेकिन 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या RT या रिपीट इन थ्योरी लिख करके आया होगा। तो ऐसे बच्चे भरेंगे कंपार्टमेंट के सेकेंड चांस का एग्जाम फॉर्म। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट चांस दे लिया है वो भी भर पाएंगे अगर फेल हो गए हैं तो, और जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट के फर्स्ट चांस का फॉर्म नहीं भरा वो भी सेकेंड चांस का फॉर्म बिना किसी बाधा के भर पाएंगे। अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जिसकी व्यवस्था आपको पहले से कर लेनी है, तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा बच्चों।
तो हो गई बात इम्प्रूवमेंट एग्जाम की, कंपार्टमेंट एग्जाम की। कंपार्टमेंट एग्जाम में कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या कंपार्टमेंट एग्जाम हम दो सब्जेक्ट में दे सकते हैं? तो क्लास टेंथ के लिए रूल है कि दो सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन क्लास ट्वेल्थ में बच्चों अगर आपके 6 सब्जेक्ट रहे हों और दो में कंपार्टमेंट आया हो, आपका दोनों में कंपार्टमेंट हो तो सिर्फ एक में कंपार्टमेंट दे पाओगे, उसमें जब आप पास कर ले जाओगे तो दूसरे वाले सब्जेक्ट में अगले साल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप दे पाओगे। क्लास ट्वेल्थ के बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक और बात, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा एक में कंपार्टमेंट है बाकी में नंबर कम है, तो क्या हम कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं? तो हरगिज नहीं भर सकते, चाहे आप क्लास टेंथ में हो या क्लास ट्वेल्थ में हो बच्चों, चाहे आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे या फिर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। यानी जो बच्चे फेल हैं या कंपार्टमेंट आया है वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म अभी नहीं भर पाएंगे, जब उनका कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आएगा तब आप उस इम्प्रूवमेंट के फॉर्म को भर पाएंगे। यानी अगर इस साल आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है तो इस साल आप कंपार्टमेंट को क्लियर करिए, जून जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, जून में आ जाएगा हर हाल में। अगले साल का जो बोर्ड एग्जाम होगा, मतलब 2025 का बोर्ड होगा, उसमें आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरने का मौका पाएंगे। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म एक साथ नहीं भरा जा सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको 2023 के बोर्ड एग्जाम में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होना पड़ा, किसी भी वजह से फेल हुए हों, क्लास टेंथ में भी क्लास ट्वेल्थ में भी। अगर क्लास टेंथ में आप फेल हुए हैं तो फेल लिख करके आया होगा, क्लास ट्वेल्थ में फेल हुए होंगे तो इसेंशियल रिपीट लिख करके आया होगा या रिपीट इन थ्योरी लिख करके आया होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरना होगा। यहाँ जो टैब पीछे हमारे दिख रही है इस साइड में, यहाँ पर देख लो फेल्योर्स करके लिखा है, एक टैब बना हुआ है, ये वाला टैब देखिए, ये वाला टैब, ये फेल्योर कैटेगरी का है। और इस वाले टैब में आप अपना फॉर्म भरेंगे जो बच्चे प्राइवेट का फॉर्म भरने वाले हैं। तो अब इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, इतने सालों में जो बच्चे कई सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनको मौका मिल रहा है ये वाला फॉर्म भरने का। तो अगर 2018 में भी आप फेल हुए और इस साल फॉर्म भर करके पास करना चाह रहे हैं तो आपके पास लास्ट चांस है। अगर 2023 में आप फेल हुए हैं या 22 में फेल हुए, तो 3-4-5 मौके आपके पास हैं फॉर्म भरने के और उसको पास करने के। अब अगर बार बार आप फेल हो रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे गाइडेंस प्रोग्राम से ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बच्चे इसमें आराम से पास हो जाते हैं। तो बाकी आपकी जैसी इच्छा होगी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा जो लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये सब पढ़ा और बायोलॉजी से आगे एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं, 2020 या 22 या 23 में आपने फॉर्म भरा था, तो एक सब्जेक्ट लेकर के आप, कोई भी एक सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं इसी साल। मतलब 22-23 के बच्चे एक मौका पाएंगे और अगर उसमें पास हो जाते हैं देन इट्स ओके। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम के बारे में। बात करते हैं कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो बच्चों 12 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक, यानी एक महीने का टाइम मिलेगा। मैं आपसे पहले भी कहता था कि बहुत टाइम मिलेगा, अब आप में से सभी बच्चों के रिकॉर्ड सो नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी बने रहिएगा वीडियो में। जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो 2-3 दिन 4 दिन तक आपका हो सकता है कुछ लोगों का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा, कुछ लोगों का सिंक्रोनाइज्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग रीजनल ऑफिस के लोग इस डेटा को अपलोड करते हैं सेंट्रल वेबसाइट पर, तो कई बार डेटा फेच नहीं हो पाता या सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो आप जब अपना डिटेल डालेंगे तो लिख करके आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, हमारा व्हाट्सएप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या व्हाट्सएप का भी आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, हमें ईमेल भी कर सकते हो। और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में अगर आप जुड़े हैं तो टेंशन ही नहीं लेना है, तो हम वहां पर आपको समझाएंगे कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड या डेटा नॉट फाउंड का आ रहा है तो क्या करना है आपको।
वैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका डेटा ओपन होगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगे अब ये समझ लीजिए। बच्चों जिस साल का बोर्ड एग्ज़ाम आपने दिया था मेन बोर्ड एग्ज़ाम, उस साल के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया 2023 में आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और आप फेल हो गए, या आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, या आपको कंपार्टमेंट देना है, तो जो डिटेल्स आपके मेन बोर्ड एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में दी गई थी, उनमें से कुछ डिटेल्स यहाँ फॉर्म भरने में लगेंगी, तो अभी ढूंढ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के एडमिट कार्ड गायब हो जाते हैं। मार्कशीट वगैरह तो संभाल के रखते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड गायब हो जाते हैं। अगर आपका भी एडमिट कार्ड गायब हुआ है तो अपने अपने स्कूल में अभी चले जाओ, हर स्कूल के पास में ये सॉफ्ट कॉपी भेजा जाता है एडमिट कार्ड का, हमारे भी स्कूल में आता है, हम लोग उसको प्रिंट करके बच्चों को देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन रखते हैं और सभी स्कूल वाले वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो आप अपने स्कूल में जाएंगे तो वो उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे, अगर वो नहीं देते हैं तो हमें बताइएगा, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो आई थिंक कि एक मोटा मोटी मतलब एक नॉर्मल एक फॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि कौन सा फॉर्म आपको कब भरना है। फीस वगैरह की बात आपको इस टेबल में दिख जाएगी जो हमने शो किया था, दिखाया है हमने, पूरी नोटिफिकेशन को एक बार ढंग से पढ़िए। अब हम एक एक करके कंपार्टमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, प्राइवेट का वीडियो अलग अलग बनाएंगे और 12 सितंबर से एक दिन पहले हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो हमारे साथ जुड़ जाओ बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में थ्रू आउट द जर्नी। जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है बच्चों का, मैंने कई बच्चों को देखा है जो फेल हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स उनका साथ नहीं देते, स्कूल वाले तो ऑब्वियसली अलग हो ही जाते हैं। तो मैं आपके इस दुख दर्द में आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पाऊँगा तो मुझे लगेगा कि एक शिक्षक होने के नाते मैं समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले वीडियोज़ बड़े डिटेल्ड होंगे, कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको एक बार जरूर चेक करिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।